हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कीटांशु व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम फिर से निकल गए हैं अपनी एक और कार कैंपिंग के लिए, और इस बार हम जा रहे हैं सुदमादेव मानतलाई। तो पहले हम चलेंगे, अभी हम निकल चुके हैं सुबह सुबह ही जल्दी उठ के। एज यूजुअल आपको पता है हम सुबह जल्दी उठ के निकलते हैं, हम निकल चुके हैं। अब हम पहले मंदिर में दर्शन कर लेंगे। गौरीकुंड है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे। उसके बाद सुदमादेव मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। और उसके बाद उसके आगे पड़ता है डुडू वैली। तो आज हम डुडू वैली में कैंपिंग करने वाले हैं। डुडू वैली के रास्ते में सुदमादेव मानतलाई मंदिर है, दर्शन करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। और गाइज, रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पूरे रास्ते झरने बहते रहते हैं, मगर रोड कंडीशंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बहुत खास क्या, मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये रास्ता जाता है उधमपुर से आगे चनैनी की तरफ। तो उधमपुर तक तो सेम रास्ता होता है, हर बार आपको दिखाते हैं तो दोबारा दोबारा दिखाने का सेंस नहीं बनता। बट चनैनी से ये रास्ता आगे है, तो बीच में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी रास्ते के बारे में भी। और अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड मंदिर। यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा झरना और बहुत तेज झरना यहाँ से बहता रहता है। चलिए, अब आपको कराते हैं गौरीकुंड के दर्शन। गौरीकुंड की मान्यता ये है कि माना जाता है कि गौरी जी ने यहाँ बैठ के तपस्या करी थी शिव जी को पाने के लिए। तो जब इस गुफा में उन्होंने तपस्या करी थी, तब वह यहाँ पे इस कुंड में नहाया करती थी। ये मार्केट और बस स्टैंड यहीं पे है, ये मंदिर की एंट्रेंस है। और गौरीकुंड से कुछ 4-5 किलोमीटर आगे ही सुदमादेव पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी हम जाते हैं, कोई मंदिर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ के बारे में हमको जो भी छोटा मोटा कुछ पता होता है वो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप वो इन्फॉर्मेशन को पक्का नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं इन जगहों के पीछे जो कि हमको अच्छे से पता नहीं होती। तो मैं नहीं चाहती कि आप वो मेरी बातें सुन के आप मिसगाइड हों, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती। जितना मुझे पता होता है मैं उतना ही बताती हूँ। जैसे कि ये मंदिर है, ये शिव जी का त्रिशूल है यहाँ पे, जो तीन भाग में यहाँ पे ये लगा हुआ है। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, थोड़ा सा प्रसाद लेंगे, और बस फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अपनी कैंपिंग लोकेशन की ओर, डुडू वैली।
कैसा लगा सेठ जी आपको? अच्छा, मन को शांति मिली एकदम दर्शन करके। फ्रेंड्स, ये जो आप पिरामिड की शेप में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जम्मू मानतलाई का योगा सेंटर यहाँ पे बन रहा था। बनते बनते शायद अभी रुक गया यहाँ का काम, मे बी आगे स्टार्ट हो जाए। ये इंडिया का लार्जेस्ट योगा सेंटर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि जब ये स्टार्ट होगा तो प्रोवाइड हो सकती हैं लोगों को जो यहाँ पे आना चाहें। जैसे कि यहाँ पे हट्स वगैरह अवेलेबल हैं, टू रूम्स की और वन रूम्स, और स्पा है यहाँ पे, और कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, चिल्ड्रंस के लिए ग्रीन पार्क भी है यहाँ पे, और हेलीपैड भी यहीं पे पास में ही है। मेडिटेशन के लिए यहाँ पे छोटे छोटे मेडिटेशन पॉट्स भी बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। बट अगेन, कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, सब कुछ अभी बंद पड़ा है। मुझे नहीं पता क्यों बंद पड़ा है, मगर ये बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा, बहुत ही प्यारा इस जगह बन जाएगी अगर ये स्टार्ट हो गया ठीक से तो। फ्रेंड्स, ये सारी ही जगह देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की है। ये यहाँ पे इनके आश्रम भी हुआ करते थे और इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, तो उसके बाद से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे एक इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना स्टार्ट करा था जो कि वहीं का वहीं वो रुक चुका है, वहीं रुका हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं उसमें हो रखा है ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की डेथ के बाद से मतलब 94 से ये जगह ऐसे ही बंद पड़ी है। उनके आश्रम और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे काम चला हुआ था तब, वो तब से यहाँ पे बंद पड़ी हैं और खंडर ही हो गई हैं एक तरीके से। और ये गाइस उनका घर है, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का घर है ये, तो कितना सुंदर है, सोचो इतने पहले का बना हुआ है और इतना प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर। अब हम निकल चुके हैं मानतलाई से डूडू वैली की तरफ, जो कि मानतलाई से ऑलमोस्ट 65-70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हम जम्मू से और मानतलाई तक आए थे। आज की जो कैंपिंग है हम डूडू वैली में ही करने वाले हैं। वहाँ पे किसी की कैंपिंग साइट है, मगर हम उस साइट पे नहीं कैंप करेंगे, हम कोई और जगह देखेंगे अपनी, क्योंकि हमको कार कैंपिंग करनी होती है, तो हम कार लगाने के हिसाब से देखेंगे जगह, और वहाँ पर आज हम कार कैंपिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लोकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, कैसी मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमें मिली है एक लोकेशन अभी, मगर उसका चक्कर ये है कि वो थोड़ा सा ढलान पे है और वहाँ तक शायद हमारी गाड़ी नहीं निकल पाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पूरा प्लेन, काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसका रास्ता यहाँ से है नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगेगी अगर हम यहाँ से निकालेंगे ना, तो छोटी गाड़ी है हैचबैक, तो वो टच होएगी, और अगर कोई बड़ी गाड़ी होती अगर, तो वो आराम से यहाँ से उतर जाती और ये इतनी प्यारी लोकेशन पे हम कैंपिंग कर पाते।
चलो कोई बात नहीं, बट अब कोई और लोकेशन देखते हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि ना लोकेशन आराम से नहीं मिलती है गाड़ियां लगाने के लिए। कितना सुंदर, कितना प्यारा है। सो फ्रेंड्स, ये रास्ता आ जाएगा, कुछ दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंड साइड को और एक राइट हैंड साइड को। तो हमको डूडू वैली के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहना है, राइट हैंड साइड पे नहीं जाना। यहाँ से अब हम कट ले लेंगे। फ्रेंड्स, डूडू वैली में हमें जहाँ आज कैंपिंग करनी थी वहाँ पे हमें कोई कैंपिंग लोकेशन नहीं मिली। लोकल से हमने पता करा कि हम कहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। उन्होंने एक जगह बताई है, कुछ 12 किलोमीटर के आसपास है वो जगह डूडू वैली से। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। ओ ब्रो, मैं तो मर ही जाऊंगी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा झरना था, मजा ही आ गया, थकान उतर गई समझो। फ्रेंड्स, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डूडू वैली से हमको शिव गली तक जाना है और रास्ता एक्सट्रीम लेवल का ख़राब है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही, बहुत ही ख़राब रास्ता है। ऐसे ही वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए फिर मिलते हैं इस ट्रिप के सेकेंड पार्ट में। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। इस तरफ ले आने दो, कीचड़ है, आने दो, आने दो, आने दो। एक्चुअली कैंपिंग करना चाहते थे, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए और अब हम जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं वो बस फिलहाल का जुगाड़ है। ये देखिए, यहाँ पे तो रोशनी फैला रही। कहाँ चल रहा है?